अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब का बयान सुनने, जो कि बादशाही मस्जिद में हो रहा है। जब हम नीचे आए तो हाफिज़ साहब ने हमें बिस्किट की पेशकश की, जो हमने कबूल कर ली। इतने में हमारी गाड़ी आ गई और हम गाड़ी में सवार हो गए। لا 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 نحتاج الآلة كي نزداد جمال। बादशाही मस्जिद से पहले हमने जाना था एक इवेंट पे, जिसका नाम था फ्लटर फ्लो। हम जल्दी से लिफ्ट में बैठे और पहुंच गए उस जगह पे। जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि ये फंक्शन पहले ही शुरू था। यहाँ मैं आपको इस इवेंट का मकसद बताता चलूँ। इस इवेंट का मकसद था लोगों को ऐप डेवलपमेंट के बारे में आगाह करना। फिर हमें कॉफ़ी की फ्री पेशकश हुई, जिसका हमने भरपूर फ़ायदा उठाया। बाहर आए तो देखा कि हर तरफ अंधेरा छा चुका था। ये हमने बादशाही मस्जिद जाना था और हम लाहौर की रंगीन सड़कें पार करते हुए हम पहुँचे मेट्रो स्टेशन पर। जैसे ही हम मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे तो यहाँ रश बिल्कुल नहीं था। हमने जल्दी से ही इससे 3 टिकटें ली और इतने में हमारी ट्रेन भी आ गई। ट्रेन में बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी, इसलिए हमने खड़े होकर सारा सफ़र किया। मीनार पाकिस्तान रोशनी से चमक रहा था और आप आगे बादशाही मस्जिद चेक करें, ये कितनी खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पर हमें काफ़ी टाइम लगा क्योंकि आगे पुलिस वाले हर गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस थी और सिक्योरिटी के बहुत ही सख्त इंतजाम किए गए थे। और हाँ, आप बादशाही मस्जिद के बाहर लोगों का रश चेक करें कि कितना रश लगा हुआ है। बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई थी ताकि लोगों को आज डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान सुनने में आसानी हो। यहाँ बादशाही मस्जिद इंटर होने से पहले भी हमारी चेकिंग हुई। फिर हमने जूते अपने हाथ में लिए, फिर हम लोग मस्जिद में दाखिल हुए। यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम था। ये सब लोग डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बयान सुनने के लिए बादशाही मस्जिद में जमा थे। जब हम पहुँचे तो तिलावत हो रही थी। हमने तिलावत सुनी और इस खूबसूरत मंजर का लुत्फ उठाया। फिर डॉक्टर फारिक नायक ने खूबसूरत बयान किया और फिर बारी आई डॉक्टर जाकिर नायक साहब के बयान की। कुछ लोग पावर सेंटर्ड होते हैं, कुछ लोग फेम सेंटर्ड होते हैं। इंसान होना चाहिए अल्लाह सेंटर्ड। कौन सा सेंटर? अल्लाह सेंटर्ड। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह धारियात में, सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन और इंसान को बनाया सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। तो हमारा मकसद जिंदगी का है अल्लाह की इबादत। अगर आप अल्लाह का पैगाम मान। हमने बड़े मज़े से डॉक्टर जाकिर नायक साहब का बयान सुना, जो उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से बयान किया। उनके बोलने का अंदाज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। फिर हमने वापसी का इरादा किया। मैं यहाँ अपने व्लॉग को एंड करता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।